इनसे बोलूंगे कम कर लीजिए, मुझसे लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा काम ही नहीं है ना, ये काम है सिंध का, हुकूमत का काम है ना। हुकूमत चाहती है कि मतलब अगर वो महंगाई चाहती है बाकी कम करना तो कम हो सकती है, अगर हुकूमत नहीं चाहती, वो सिंसियर नहीं है इस मामले में, तो ये महंगाई कयामत तक कम नहीं होने वाली। आवाम इस तरह महंगाई की शक्की में पिसती रहेगी। आवाम परेशान है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, 4 गुना ज़्यादा महंगाई है कि लोग परेशान है सारे यहाँ पे। हुकूमत तो भाई कुछ कर ही नहीं रही ना। हुकूमत से कहें कि गरीबों का ख्याल करें, थोड़ी देखभाल करें, परेशानी ज्यादा है घर में। के घर में रहते हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल है, और जिनके अपने वो भी रो रहेंगे। इस कदर महंगाई कर दी, कुत्तों का गद्दियों पे बैठे हुए कमा रहे हैं खा रहे हैं, इन्हीं को गोली मार दे अगर हमें तो मिल जाए। वाले ईरान के हैं और पाकिस्तानी 200 रुपए किलो, अमूमन सस्ते हो रहे हैं टमाटर। ये टमाटर जो है ना जी, ये 200 रुपए 240 रुपए किलो है। मंडी के रेट क्या है? ये मंडी का रेट जो आपको बता रहे हैं 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो मंडी में चल रहा है, और यहाँ जो है ना 50-60 रुपए पाव हम भी आप खुद बेच रहे हैं। और ये बैंगन जो है ना, ये मंडी के अंदर 60-70 रुपए किलो है। ये पालक बड़ी है, ये पालक जो है ना, ये पालक जो 60 रुपए किलो 50 रुपए किलो मंडी में चल रही है। कंज्यूमर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार, आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गोश्त तो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से बाहर था, लेकिन अब सब्जियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सब्जी और गोश्त के रेट तकरीबन बराबर ही हैं, बल्कि सब्जियों का तो पता नहीं क्या हाल है। क्या इसकी वजह सब्जी माफिया है, सैलाब है, या कुछ और? तो आइए इसी सिलसिले में सब्जी वालों से भी बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे कि सब्जियों के रेट इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। आइए मेरे साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये जी बहुत महंगाई हो रही है, आदमी बहुत परेशान हो रहा है। ये टमाटर जो है ना जी, ये 200 रुपए 240 रुपए किलो है। मंडी के रेट क्या है? ये मंडी का रेट जो आपको बता रहे हैं 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो मंडी में चल रहा है, और यहाँ जो है ना 50-60 रुपए पाव हम भी आप खुद बेच रहे हैं। और ये बैंगन जो है ना, ये मंडी के अंदर 60-70 रुपए किलो है। ये पालक बड़ी है, ये पालक जो है ना, ये पालक जो 60 रुपए किलो 50 रुपए किलो मंडी में चल रही है। यहाँ पे तो बहुत महंगी है। ये आलू 2000-2200 रुपए मन का है। अच्छा, तो इसकी वजह क्या है? सब्जी माफिया है, सैलाब है, क्या है? ये पहले तो कहते थे सैलाब की वजह से, अब इन्होंने जो है ना वो फिल्म बना रखी है, बस ये महंगाई हो रही है। ये टमाटर नहीं आ रहा, वो टमाटर बाहर पहले आ रहा था यहाँ का, बहुत सस्ता था, अब तो टमाटर बाहर से आ रहा है, वो कहते ये बहुत महंगा है। ईरान से आ रहा है टमाटर, कुछ इंडिया से भी आ रही है सब्जियाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी गोश्त, प्याज इतनी भाजी इतना महंगी हो गई है, प्याज के आप पूछो भी नहीं। मंडी के अंदर 100 रुपए किलो चल रही है, यहाँ 100-120 रुपए दे रहे हैं, वो भी फिर तकलीफ होती है ग्राहकों को। तकलीफ तो होगी ना, गरीब बंदा क्या कमाता है, दिहाड़ी क्या है अंकल? सारा दिन पालक बेचते हैं, ये जो 60 रुपए किलो की 70 रुपए किलो की दे रहे हैं मंडी के अंदर, और यहाँ जो ना हम 60-70 रुपए किलो बेचते हैं, हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिलता। हम इतना परेशान हैं, ये हुकूमत को कहें आप मेहरबानी करें, कोई ना कोई गरीबों के लिए कोई अच्छा सोचें। मंडी के अंदर 200 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं, हम यहाँ 240 रुपए किलो बेच रहे हैं, और 200 रुपए किलो भी दे देते हैं हम, क्या करें? बीच में हल्का निकलता है, ख़राब निकलता है, बहुत बड़ी परेशानी है। अगर 10 किलो वज़न होता है तो वो 2200-2400 रुपए की पेटी दे रहे हैं मंडी के अंदर, जुल्म कमा रखा है गरीबों के साथ। आवाम परेशान है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, 4 गुना ज़्यादा महंगाई है कि लोग परेशान है सारे यहाँ पे। हुकूमत तो भाई कुछ कर ही नहीं रही ना। हुकूमत से कहें कि गरीबों का ख्याल करें, थोड़ी देखभाल करें, परेशानी ज़्यादा है घर में। तो ये खाना कैसे बनता है, क्योंकि टमाटर प्याज सब्जी की कीमतें इतनी ऊपर है? जहाँ इंसान 1 किलो लेते हैं, वहाँ 1 पाव से गुजारा कर रहे हैं, करना तो है ना गुजारा, क्या करें भाई। के घर में रहते हैं उनसे पूछो उनका क्या हाल है, और जिनके अपने वो भी रो रहेंगे, लेकिन कुछ तो करें ना। इस कदर महंगाई कर दी, कुत्तों का गद्दियों पे बैठे हुए कमा रहे हैं खा रहे हैं, इन्हीं को गोली मार दे अगर हमें तो मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कय्यूम। कय्यूम साहब, मुझे ये बताएं सब्जियों के रेट दिन ब दिन महंगे क्यों होते जा रहे हैं, इसकी वजह सब्जी माफिया है या सैलाब? इसकी वजहत ये है भाजी के जो है ना, माल पूरा आ नहीं रहा मंडी में, और कुछ सैलाब का कुछ मसले हैं, और कुछ महंगाई है, बस यही चक्कर। अच्छा, कुछ सब्जी वाले ऐसे हैं कि मंडी से तो सस्ता लाते हैं, मगर यहाँ लाके बहुत महंगा बेचते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे अपनी तरफ से जो महंगाई कर रहे हैं? ऐसी कोई कहानी नहीं है कि कोई महंगाई करने वाले खैर करते हैं। यहीं के रेट में आपको बताऊं, इसी मार्केट के आप रेट चेक कर ले, आप क्या कह रहे हैं टमाटर क्या किलो दे रहे हैं? टमाटर 200 रुपए किलो भी है, 160 रुपए किलो भी है। 160 रुपए किलो वाले भी हैं? कौन से वाले आपकी साठ मुझे दिखाए? 60 वाले ईरान के हैं और पाकिस्तानी 200 रुपए किलो, अमूमन सस्ते हो रहे हैं टमाटर।
अभी पता है सामने जो अंकल हैं वो तो 200 रुपए मंडी के रेट बता रहे थे और 240 यहाँ के रेट बता रहे हैं, आप 160 दे रहे हैं। हमारे पास तो 160। वैसे तो आप बड़ा महंगा देते हैं, 160 रुपए का भी टमाटर लिया आप लोगों ने इनसे? दिखाएं 160 वाले, दिखाएं 160, अभी के अभी सारे बिक जाएंगे। ये रहे 160 रुपए टमाटर दे रहा है ये अमर बाबा। 200 रुपए वाले भी आप बोलो तो पेटी खोल लेता हूँ। सस्ता दे रहे हो, प्याज के रेट बताइए। प्याज 120 रुपए किलो और छोटी वाली 100 रुपए किलो। बैंगन 120, बैंगन 120, उस अंकल ने 60 रुपए बोला था बैंगन। क्वालिटी का भी फर्क होता है। ओके जी, तो कौन कर रहा है ये महंगाई, मंडी से भी इतना महंगा क्यों आ रहा है? गोश्त और सब्जी में कोई फर्क बचा है? हाँ ये बात तो है, सब्जी और गोश्त में फर्क तो कुछ भी नहीं है, खैर महंगाई बहुत हो रही है। दही महंगा था, पहले बंदे दही डालने से डरते थे, अब टमाटर इतने महंगे हो गए कि बंदे दही डाल रहे हैं सालन में। टमाटर की ये मतलब 200-250 रुपए किलो चला गया टमाटर। अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन से कम हो गया रेट, वैसे तो 400 रुपए किलो था भारत अवेलेबल पे, 400 रुपए किलो टमाटर बिका, 320 रुपए किलो मोमन वैसी बिका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लिया है आपने? आलू लिए, मटर लिए। कितने के मिले आपको? 160 रुपए के। क्वांटिटी भी कुछ ज्यादा नहीं? क्वांटिटी भी कुछ ज्यादा नहीं है, महंगाई इतनी है क्या करें। गोश्त और सब्जी के रेट एक ही चल रहे हैं, डबल चल रहे हैं, सब्जी के डबल चल रहे रेट, गोश्त तो सस्ता है। गोश्त सस्ता है नाजरीन, आवाम का ये रहता है, मैंने पहले लोग सोचते थे कि हम गोश्त नहीं सब्जी खा लें, अब गोश्त सस्ता है और सब्जी इतनी महंगी कर दी, तो इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट कौन है? ये मंडी वाले महंगाई कर रहे हैं, सब्जी माफिया है, सैलाब की वजह से आगे से महंगी आ रही, क्या वजूहत है? ये तो ये लोग बता सकते हैं, सैलाब का तो बहाना है, पीछे सब्जी आ रही है, ईरान से भी आ रही है, सब जगह से आ रही है सब्जी, तो आ रही है महंगी कर रहे हैं, बस ये लोग कर रहे हैं, पीछे से महंगी मिल रही है लोगों को, ऐसी बात ये लोग महंगी कर रहे हैं यहाँ पर। इसका हाल क्या है, गरीब आदमी क्या सालन भी नहीं खाया अपने घर में? पानी पानी से रोटी खाए, पानी भी अब तो मिनरल वाटर की बॉटल भी 70-80 की कर दी है। 78। अरे सब्जी लेने आए थे वापसी घर जा रहे, इतनी महंगाई है, बजट में क्या बनाएंगे फिर आज? नहीं नहीं बजट में आ भाई, 100 रुपये कौन लेगा मटर, 100 रुपये 400 रुपये किलो, बताइएगा कैसे गरीब आदमी कैसे ले लेगा मटर 400 रुपए किलो? सही कह रहे थे भाई, गोश्त भी आगे निकल गया, क्योंकि नहीं खाएंगे भाई, क्या कर रहे हैं मजबूरी है। क्या खा रहे हैं फिर अंकल घर में, क्या खाएंगे? लेंगे फिर आगे इसी महंगी है, अंडे देखो तो गर्मियों में अंडे 250 रुपए दर्जन, 22 रुपए, 160 रुपए था, लेकिन क्या ले, 80 रुपए आलू है, टमाटर है, प्याज है, क्या करना चाहिए गरीब आदमी को, क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने एक हिदायत दे इनको, हमारे हुक्मरानों को। मैंने बन लिए, ये बन ये 30 रुपए का मिलता था, 40 रुपए का एक बन मिला, ये देखें हर चीज पे डबल पैसों, और ये बेकरी आइटम्स पे तो ज्यादा बड़े हैं। अभी देखें इसमें बिस्कुट कितने हैं, मैं हमें 4 भी नहीं हो गए मुश्किल। अभी हमने एक प्रोग्राम किया है, इस पे डबल रोटी और बेकरी आइटम्स के तमाम जितने भी हैं, 70 रुपए की छोटी डबल रोटी हो चुकी है, बड़ी वाली 140 की, ये बन जो 30 रुपए का मिलता था अब 40 रुपए का मिल रहा है। मैं सुनने में आ रहा है मंडी से फिर भी सस्ती मिल जाती है, यहाँ पे जो बेच रहे हैं ना उनके रेट अलग अलग है। तो फर्क होता है ना, एक जैसी चीज को ही, चीज का बोल के ना रेट डबल। टमाटर क्या किलो दे रहे? 200-180। अच्छा, और ये बैंगन? बैंगन 80 रुपए किलो है। बैंगन देखिए कोई 60 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, कोई 120 दे रहा है, चीज का फर्क है ना। मिसाल के तौर पे टमाटर 160 भी है, 200 भी है, टमाटर 100 रुपए किलो भी है। पाव वाला कहाँ है टमाटर, दिखाइए। अच्छा ये बात, वो कह रहे मंडी के रेट है 200 रुपए किलो, हम बेचते 250 ये सामने इसी जगह पर। बहुत से अपनी तरफ से भी महंगाई करते हैं भाई, कोई बात नहीं है, महंगाई कम है और अपनी जाती महंगाई बहुत ज्यादा है। हुकूमती सतह के ऊपर तो आए दिन आर्डर आते रहते हैं कि इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए, रेट लिस्ट के हिसाब से बेचना चाहिए, लेकिन रेट लिस्ट अभी आप पूरे इलाके में विजिट कर लें ना, गोश्त वालों के पास रेट ही नहीं है, गंदे कई मुख्तलि रेट है, कई जा रहे हैं, तकरीबन लोग अपनी मर्जी किससे ही बेचे जा रहे हैं और कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, ना कोई KMC है, ना DMC है, ना कोई फूड इंस्पेक्टर। इसी इलाके में दो दो कदम के फासले पर रेट अलग अलग है, ये मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप देख लें कहीं भी आपको रेट लिस्ट नजर ही नहीं आएगी, तो ये महंगाई हुकूमत की तरफ से नहीं है, जाती तौर पर महंगाई की गई है और ये जाती महंगाई है, तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम अपनी टीमों को यहाँ भेज के इनसे विजिट करा के इनको देखा जाए, इनको चेक किया जाए, ताकि आवाम नाज जिससे अभी मसाइल से गुजर रही है और जिस महंगाई के तूफान से गुजर रही है उसको कम किया जाए। ये हुकूमत का काम है, ये आपका या मेरा काम नहीं है। इसे तरीकेकार ये है कि मतलब हुकूमती तरीकेकार है, इसका लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, सब समझते हाँ महंगाई हो गई है। कौन देगा, आप ही देंगे, हम और आप देंगे ना, लेकिन उस मजारे में भी हो जाए, मैं इनसे बोलूँ ये कम कर ले, मुझसे लड़ना शुरू हो जाएंगे, ये मेरा काम ही नहीं है ना।
ये काम है सिंध का, हुकूमत का काम है ना। हुकूमत चाहती है कि मतलब अगर वो महंगाई चाहती है वाकई कम करना तो कम हो सकती है, अगर हुकूमत नहीं चाहती वो सिंसियर नहीं है इस मामले में तो ये महंगाई कयामत तक कम नहीं होने वाली, आवाम इस तरह महंगाई की शक्की में पिसती रहेगी। आटे के रेट देखिए आप कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, आसमान से बात कर, बस में क्या था सिर्फ रोटी थी वो भी छीन ली। दिहाड़ी अगर यहाँ पर 200 रुपए रोज है, आप मुझे बताएंगे 110 का वो आटा ले गया, पीछे से क्या बचा, ना वो दवाई ले सकता है ना वो दारू ले सकता है ना वो कुछ कर सकता है, कुछ भी आटे में होगा क्या, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, मतलब 3-4 आदमी खा लेंगे उसको बस, रेंट हो पा रहा है, बच्चे 5 बच्चे हैं और 1-2 खवातीन एक शौहर है उसका, मतलब वो तो नामुमकिन सी बात है कि इस महंगाई के दौर में वो गुजारा कर सके, तो जाहिर है फिर वो फिर जिस तरह के अभी कराची में आप हालात देख रही हैं, स्नैचिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है वो महंगाई और बेरोजगारी, इसको अगर थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर फोकस करे तो मेरे ख्याल है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि मतलब मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही किसी भी चीज़ को। आप देख लेना मतलब क्या सूरत हाल है, पीछे आप देख लें गलियों का हाल देख लें, आप रोडों का हाल देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, हमारे इलाके का पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, करप्शन उरूज पे माशाल्लाह। यही देख लो कचरा, देखो टूके यहाँ फेंकने का मेन रोड पे जगह आने जाने की, मेरे पीछे आप देख सकते हैं नाज़रीन ये सारा गटर का कचरा पता नहीं कचरा कुंडी बना दिया है और ये मेन रोड है।